हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और ज्योत्सना की किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करेला। करेला तो आप बहुत तरीक़े से आप बना के खाए होंगे। आज जिस तरीक़े से हम बना रही हूँ, इस एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले करेला को हम काट लेते हैं। तो करेला को जो है हमें थोड़ा लंबा लंबा काट लेना है, पहले इस टाइप से। इस टाइप से लंबा लंबा काटने के बाद फिर इसका छोटा छोटा इस तरीक़ा से हम टुकड़ा कर लेते हैं। इस टाइप का छोटा छोटा काटना है, इस टाइप के छोटे छोटे काट लेना है। तो इस टाइप से हम सारे करेला को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम करेला है और करेला हम काट लिए हैं। इसमें कुछ नमक दे देते हैं, एक चम्मच नमक दे के इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए इस टाइप से, ताकि इसका कड़वापन अच्छे से मचल मचल के इसको धो देंगे तो कड़वापन कुछ कम हो जाएगा। इसको साइड कर देते हैं। और लिए हैं यहाँ पे हम एक प्याज, दो तीन हरी मिर्च हम काट लिए हैं, एक छोटा साइज का आलू दिए हैं, आप चाहे तो आलू ना दे। और यहाँ पे एक टमाटर काट लिए हैं और यहाँ पे एक कच्चे आम, इसका आधा हम दे देंगे। तो कच्चे आम को हम काट लिए, आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और खटाई भी यूज़ कर सकते हैं, इमली भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका चॉइस होगा। और यहाँ पे हम एक टुकड़ा अदरक लिए हैं और दो तीन कली लहसुन का लिए हैं। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हम काली वाली जो सरसों है वो लिए हैं, और यहाँ पे पीली वाली लिए हैं। तो पीली वाली थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है। तो इसका एक हम महीन पेस्ट बना लेते हैं, आम आम सब मतलब दे के, मसाला दे के। तो चलिए पहले पेस्ट बना लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए, एक बड़ा चम्मच हम सरसों का ऑयल दे दिए हैं। अब पहले करेले को फ्राई कर लेना है, 80% तक का हमें जो है करेले को फ्राई कर लेना है। हल्का सा नमक दे देंगे, नमक से हम धोए हैं, मतलब नमक लगा के धोए हैं, तो नमक इसमें हल्का फुल्का लगे रहे जाता है। कितना भी आप धोइए, नमक इसमें लगे रहे जाएगा। तो हल्का सा नमक और हल्का हल्दी दे देते हैं। पहले 5-6 मिनट हम करेले को चला लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आलू दे देंगे। तो करेले को जो है हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको जो है हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, 80% तक का पका लेना है। तो 5-6 मिनट हो चुका करेला को फ्राई करते हुए, अब इसमें आलू दे देते हैं। आलू को भी करेला के साथ फ्राई कर लेते हैं। फिर से हम ढक देंगे और 5-5 मिनट बाद जो है चलाएंगे और 80% हम करेला आलू को पका लेंगे। फ्राई करते करते ये काफ़ी हद तक पक जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 80% कुक हो चुका फ्राई करते करते करेला आलू। तो हम निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में फिर से हम जो एक चम्मच ऑयल दे दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कलौंजी दे रही हूँ, कोई इसको मूंगरेल का नाम से भी जानते हैं, बिहार में इसको मूंगरेल का नाम से जानते हैं। फट चुका, अब हम जो प्याज को काट के रखे थे, एक प्याज प्याज को दे देंगे। तो प्याज को जो है थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। तो ब्राउन हो चुका, 2 मिनट हम कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे वो पेस्ट हम दे देंगे जो काली वाली, पीली वाली सरसों और आम और लहसुन और अदरक का पेस्ट। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा पानी दे देंगे, थोड़ा सा हल्दी दे देंगे। दे के इस मसाला को हमें अच्छे से भून लेना है। इसी टाइम पे अगर आम मतलब कच्चे आम नहीं मिलता है तो आप आमचूर का पाउडर दे दें, या तो खटाई पीस के भी, आम का जो खटाई मिलता है वो पीस के भी दे सकते हैं। खट्टा खट्टा लगेगी, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको चलाते हुए हम मसाला को अच्छे से जो है भून लेते हैं, जब तक तेल नहीं छोड़ देते। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तेल बाहर आने लगे हैं। इसी टाइम पे हम हरी मिर्चा और टमाटर जो काट के रखे थे, एक टमाटर वो भी दे देंगे। थोड़ा नमक दे देंगे। हमें ध्यान रखना है, हम करेला को जो फ्राई किए हैं तब उसमें नमक दिए थे, तो ध्यान में रखते हुए नमक को देना है। और अच्छे से जो है 5-6 मिनट लगेगा इस मसाला को, जो हमें अच्छे से भून लेना है, कच्चा बिल्कुल ना रहे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बिल्कुल तेल बाहर आ चुके हैं, मसाला अच्छे से भून लिए हैं। अब जो हम आलू और करेला को फ्राई करके रखे थे वो सारे को दे देंगे। देके मसाला के साथ हमें फिर से जो चला देना है, और फिर से हम थोड़ा सा ढक देंगे मसाला के साथ, और फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे। इसे पानी यानी नहीं देना है, एकदम ऐसे ही सूखा सूखा। तो फिर से हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला और करेला आलू सॉफ्ट भी हो जाए और खाने में इसके बहुत अच्छा लगेगा। तो ढक देते हैं फिर से। तो 5 मिनट हो चुका फ्रेंड, फिर से हम ढक्कन खोल के चला देंगे ताकि नीचे मसाला लागे ना। और मेरी रेसिपी आप सबको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस तरीक़े से करेला को बनाते हैं आप ज़रूर बताएं। तो फिर से हम जो 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम निकाल लिए हैं 5 मिनट बाद निकाल लिए हैं, और करेला और आलू इतना अच्छा खुशबू आ रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। चावल के साथ, रोटी पराठा, जिसके साथ आप खाना चाहे खा सकते हैं। और सब लोग स्वस्थ रहे, इस तरीके से बना के खाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। बाय, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।